प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा का चुनाव संपन्न हो गया है, उसका परिणाम भी आ चुके हैं, समानुपाती का भी परिणाम आ चुके हैं। जो राजपा ने जो परिणाम लाए हैं उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, राजपा का जिस तरह से जनादेश था कि आप इकट्ठा होकर आइए, और जिस प्रयोजन से निर्माण हुआ है उस प्रयोजन से दो नंबर प्रदेश में राजपा ने संतोषजनक प्रदर्शन किया है। अन्य जगह जो प्रदेश में पांच नंबर प्रदेश या अन्य प्रदेश में पश्चिम और पूर्व में, जहां हम फोरम के साथ गठबंधन नहीं कर सके या हम कोई तालमेल नहीं कर सके, और अन्य प्रदेशों में हमने स्थानीय निर्वाचन में भाग भी नहीं लिया था, हमारा संगठन भी जो था वो स्थानीय निर्वाचन में बहिष्कार करना थे वो धराशायी हो गया था, इसलिए वहाँ हम जैसा हमको चाहिए वैसा हमको परिणाम नहीं मिला। इसलिए हमको लग रहा है कि पार्टी का जो दायित्व था कि दो नंबर में जैसे हम किए थे गठबंधन, उसी तरह से पाँच नंबर में अन्य प्रदेशों में हम करते। जो अभी एक विगत का चुनाव था, बाबागंड गठबंधन बना, एक राजनीतिक संस्कार की तरफ चला गया था, तो इसी संस्कार में हम लोगों को भी, खासकर लोकतांत्रिक शक्ति को भी, उसी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना चाहिए था। वो चुनाव नहीं लड़ने से राजपा ही नहीं, हम संपूर्ण लोकतांत्रिक शक्तियाँ उस दृष्टि से कमज़ोर हुई हैं, सीट की संख्या की दृष्टि से। वैसे मत तो हमारे आए हैं। आपको ये कहना है कि कहीं ना कहीं राजपा नेपाल चूक गए हैं? निश्चित ही मुझे इसमें बिल्कुल कोई धर्म नहीं है कि चूकना कहा जाए या हम अकेले मेरे गठबंधन या कोई मोर्चा बनना या अकेले मेरे अकेले राजपा के बस का विषय नहीं था, वो कांग्रेस का और फोरम का दोनों का विषय था, तीनों मिलकर करते। तो मुझे लगता है कि हमारे राजपा की तरफ से स्वयं हम लोग भी, नेतृत्व पंक्ति को स्वयं हम लोग भी दबाव देते रहे, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं नेपाली कांग्रेस का दम और फोरम की जड़ता इस परिणाममुखी लाने में बाधक रही है। जिस तरह से दो नंबर प्रदेश में राजपा और फोरम केंद्रित होकर इस तरह का परिणाम लाया, तो दूसरे प्रदेश वाले और दूसरे जिले वाले इसको किस ढंग से देखते हैं कि हम लोग को भेदभाव किया गया है, कि हम लोग को नज़र में नहीं लिया गया है, कि हम लोग को पार्टी नहीं समेट रहा है, इस बात को किस ढंग से ले रहे हैं उधर का? देखिए, एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि चाहे वो फोरम का नेतृत्व हो चाहे हमारे राजपा का नेतृत्व हो, सभी लोग दो नंबर प्रदेश के मूलतः निवासी हैं, और जो जहाँ रहता है वहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि, वहाँ का सारा धरातल अधिक ढंग से समझता है। अन्य हमारे प्रदेशों के, चाहे वो पाँच नंबर प्रदेश हो चाहे अन्य प्रदेश हो, जहाँ वो खाली राजनीतिक रूप से उनका संबंध रहा है और धरातल को बखूबी नहीं समझा, वहाँ उन्होंने उस चुनाव उसको जो है गठबंधन कराने में उसकी कितनी महत्ता है, पार्टी के लिए कितना हितकर होगा, या हमारे लोगों का क्या भविष्य वहाँ राजनीति में जो लगे हैं, जैसे हम ही लोग हैं 2046 साल से सद्भावना का या बहुदलीय व्यवस्था का उदय होते ही सद्भावना पार्टी के निर्माण से मैं उपाध्यक्ष रूप में काम कर रहा हूँ, 27 वर्षों से निरंतर काम कर रहा हूँ। ऐसे लोग बहुत लोग, सैकड़ों लोग हैं जिनके राजनीतिक भविष्य को, उन प्रदेशों में रहने वालों को क्षति भी होना पड़ा है, तो वहाँ तक हमारा नेतृत्व वर्ग नहीं पहुँच पाया, हम ऐसा महसूस करते हैं। और इसमें तीनों हमारी, खास करके हम फोरम और राजपा के नेतृत्व पंक्ति ही दो नंबर के तर्ज पर यदि उस पीड़ा को समझते हैं, हम लोगों की पीड़ा को, तो मुझे लगता है कि हम स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार के बावजूद भी हम एक अच्छा परिणाम देते, क्योंकि हम आपको बतावें कि 47 साल से अब तक जितने भी निर्वाचन हुए, कपिलवस्तु रूपंदेही नवलपरासी ऐसा जिला रहा जिसने मधेश की राजनीति में अपना अहम भूमिका निर्वाह करता रहा, और हम सीट भी देते रहे, वोट भी देते रहे। अब की बार इस तालमेल के न होने से हम पांच नंबर प्रदेश के लोग इतने कमज़ोर हुए हैं कि राजपा जैसी पार्टी जिसका प्रदेश में एक सीट समानुपाती का रहा हो, हम पूरे हार गए हों, हमने कोई प्रदेश सभा में कोई सीट नहीं जीता है, ये निश्चित ही नेतृत्व पंक्ति का जो दायित्व है। आप क्यों कर पाए क्यों नहीं कर पाए, ये कैफियत से नहीं, जनता चाहती है कि आपको परिणाम देना। हम वोट नहीं दे पाए, हम सीट नहीं दे पाए, ये हम पार्टी नहीं देखेगी आप वोट नहीं, आप सीट क्यों नहीं लाए, ये आपको देना चाहिए था। इस तरह से हम परिणाम में विश्वास करने वाले लोग,
चुनाव में वो नेतृत्व पंक्ति कहीं चुका है, और यह भविष्य में ऐसी चीज़ों पर पुनः सतर्क होकर के पार्टी के पक्ष में काम करने की आवश्यकता है। आप भी पार्टी के नेतृत्व तह में हैं, उपाध्यक्ष हैं, पुराने नेता हैं, आप सबको जानते हैं, पहचानते हैं, आपको क्या लगता है नेतृत्व पंक्ति और नेतृत्व तह क्यों चुक गए, क्या कहाँ पर त्रुटि हो गया, कहाँ पर मैंने अभी पहले ही कहा है कि चूंकि सभी लोग दो नंबर के हैं, प्रदेश के नेता हैं, और हम 47 साल से आज तक 27 वर्षों से लगातार मधेशवाद की बिना विचलन किए कहीं बिना किसी पार्टी में गए हुए निरंतर मैं काम करता आ रहा हूँ, तो हमारे ये सैकड़ों लोग हैं जिनकी पीड़ा है ये, तो उस पीड़ा को चूंकि मैं नेतृत्व पंक्ति में हूँ, मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ 47 साल से आज तक, तो मैं उस दायित्व को वहन करता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नेतृत्व पंक्ति, फिर भी मैं कहता हूँ जब नेतृत्व पंक्ति, तो निश्चित ही मेरे ऊपर जो नेतृत्व पंक्ति है उसको मैं विश्वास नहीं दिला पाया, उस पर दबाव नहीं दे पाया, या वो मेरी बात नहीं माना, ये कहीं ना कहीं विषय है जिससे आज हमारे पूरे प्रदेश को, पाँच नंबर प्रदेश को भोगना पड़ रहा है, और इस त्रुटियों को की पुनरावृत्ति न हो। और मैंने कल भी कहा है परसों अध्यक्ष जी से, आदरणीय महान ठाकुर जी से, कि पाँच नंबर प्रदेश का में जो गठबंधन नहीं हुआ ये घातक बना और पार्टी के लिए और हम सभी लोगों के लिए नुकसानदेह हुआ। पाँच नंबर प्रदेश में वैसे भी उसका संरचना बनाते समय 7-7 जिले पहाड़ किला दिए गए, और हमारा वैसे भौगोलिक रूप से मुझे संकट में डाल दिया गया है, उल्टा मुझे मेरे यहाँ गठबंधन भी नहीं किया गया, हमको प्रोत्साहित करने के लिए काम भी नहीं किया गया। तो स्थिति में पूरे देश में नेपाल में खाली दो नंबर प्रदेश मधेश का कोर प्रदेश के रूप में बना, और मधेश प्रदेश के कोर के रूप में वहीं से पूरे मधेश के कल्याण की, पूरे मधेश की स्थापना की, उसके विकास की, उसके राजनीतिक समृद्धि की, सबके समायोजन की, सब समानुपातिक समावेशी का जो परिकल्पना है उसका ज्वलंत प्रयोग, ये सारे दो नंबर प्रदेश में करके आप न्यूक्लियस की तरह आगे बढ़ें, ये आप लोग देख रहा है। जैसे गजेंद्र बाबू भी पॉलिटिक्स में थे, मधेश मुद्दा के, मधेश आंदोलन के उठान उन्होंने किए, आप उनके साथ काज किए हैं, तो उनके ध्यान सब जगह रहते थे, या सप्तौरी हो या पूर्व का आपका धनगढ़ी हो या बर्दिया केलाली हो, सब जगह बराबर देखते थे, उस प्रकार का परिणाम लाते थे। 2047 साल से अभी तक कहीं पर कुछ नहीं हुआ है, उसके बाद में भी आप लोग का सद्भावना थे, तमलोपा था, अच्छे मत लाए हैं उधर से, 4-4 ठो संसद बनाए थे, जिताए थे, लेकिन ये पार्टी एकीकरण होने के बाद इतना नुकसान हुआ है, तो इससे क्या मूल्यांकन किया जा सकता है नेतृत्व? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, गजेंद्र बाबू ने 47 साल में सद्भावना पार्टी की स्थापना की, और मैं जनकपुर से पहला उपाध्यक्ष के रूप में मुझे उन्होंने चयन किया, तो उन्होंने पश्चिम को जोड़ने काम किया। निश्चित ही मेरा गजेंद्र बाबू से 47 साल के पहले कोई रिश्ता नहीं था, कोई संबंध नहीं था, लेकिन मैं पेशे का वकील आदमी, मैंने कहा मैं तो अध्यक्ष जी, मैं वकाल वकील आदमी हूँ, कह रहे नरसिंह जी आप साथ काम करें, और उन्हें पश्चिम को जोड़ा, और उन्होंने जब तक वो रहे तब तक नरसिंह जी को उसी तरह वो निरंतर संचालन करते रहे, वहाँ के लोगों को उठाते रहे। हमने 47 के चुनाव में आपको रूपंदेही से 2 सीट, नवलपरासी से 2 सीट, और कपिलवस से 5 सीट पहले चुनाव में दिया था, गजेंद्र बाबू अकेले पूरब से जीते थे जी। तो इस तरह से दूसरे चुनाव में भी हम लोगों ने किया, वहाँ थारू को, मुस्लिम को, सबको गजेंद्र बाबू ने जोड़ने प्रयास किया। आप बिल्कुल चिंता ठीक कर रहे हैं, आपका प्रश्न भी ठीक है कि नेतृत्व पंक्ति का क्या अपना ही सीट ही उसका महत्व है, क्या उसका अपना ही जिला, अपना ही घर बनाना ठीक है? इस पर जो केंद्रीकृत हुआ है, मुझे लगता है जिस ब्रॉड स्पेक्ट्रम से गजेंद्र बाबू का मधेश उत्थान का, मधेश के लोगों का को राजनीति में एक ला करके और सबको, सबके उत्थान की भी बात कीजिए, वो परिकल्पना में हमारा अभी का जो नेतृत्व पंक्ति है, चाहे वो फोरम को हो, चाहे वो राजापा को हो, हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये परिणाम दिखा रहा है। ये मैं या आप कुछ आरोप या प्रत्यारोप किसी पर लगा दें, विषय नहीं, विषय परिणाम से है। परिणाम दिखा, गजेंद्र बाबू ने एक परिणाम दिया था, पश्चिम को परिणाम से परिणाम दिया था, और उसी का कारण है कि आज पश्चिम के लोग इतने मार खाने के बाद भी मैं 47 साल से कंटिन्यू करते हुए भी अगली बार मैं समानुपातिक सांसद बना, इसके बाद दो दो बार मेरा नाम हटाया गया,
चाहे वो 63 में हो चाहे इसके पहले गोविंद चौधरी बर्दिया से आए हों, लेकिन हमने पार्टी नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, हम पार्टी के साथ काम करते रहे। ऐसे ऐसे प्रहार पर लोग पार्टी में नहीं टिक पाता है। पूरब के लोग यहाँ महामंत्री थे, गजन बाबू के राइट हैंड थे, लेकिन लोग छोड़ते गए जब जब उनको प्रणाम हुआ, रनी संसारी जैसे लोग छोड़ते गए। तो पश्चिम का लोग ईमानदारी से काम किया, लेकिन हमारी ईमानदारी तक, हमारे अस्थिर फुक के मधेशवाद के काम करने का, जो 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 पार्टी को इकट्ठा करने की, पूरे मधेश को मधेश के रूप में जो है निर्माण करने का जो दायित्व तो है पार्टी नेतृत्व का, मुझे लगता कहीं से वो सिमटता हुआ नजर आ रहा है। विषय अब ही आ गया है, समय आ गया है कि दो नंबर प्रदेश को आपने निर्वाचन किया, एक अच्छे परिणाम आए हैं। अब पश्चिम के प्रदेशों को देखिए ना, आपने आपको पश्चिम में रमेश जो है जीत, जो है रेशम चौधरी जीत के आया है ना, रेशम चौधरी जीत के आया। थारू की पीड़ा को आपने थोड़ा सा संबोधन किया था वहाँ मिला, लक्ष्मण थारू को हम किन्नी किन्नी कारणों से हार गए, मुझे लगता है पार्टी का पूरा ध्यान वहाँ होता तो हम जीत जाते। हमारे सभी अध्यक्ष लोग, छः अध्यक्ष लोग चुनाव लड़ गए, छः लोगों में स्वयं से बाहर निकलने की अवस्था नहीं रह गई, अपने निर्वाचन के जीत पराजय और जय पराजय में लग गए, पार्टी के जय पराजय को केंद्रीकृत कर दिया गया। इसलिए ये सब विषय हैं, इन विषयों पर मुझे पुनर्मूल्यांकन करना होगा, अध्यक्ष को बाहर निकलना होगा, और पार्टी के लिए सबको जो है, अगली बार हमने देखा ना कि पार्टी सरकार में नहीं गई, सारी चीज़ें नहीं हुई, लेकिन कुछ तो सभाएं हुई थी। हमारे किसी अध्यक्ष ने, मुझे लगता है, अपने क्षेत्र के अलावा कहीं संबोधन नहीं किया, कहीं सभा भी नहीं किया। तो पार्टी का नायक दायित्व जो अध्यक्ष का है, वह दायित्व कहाँ निर्वहन हुआ है? ये सब विषय हैं, इन विषयों पर पार्टी को जो केंद्रीय कमेटी बैठक होगी उसमें हम अपने संवाद करेंगे, अपने विचार करेंगे, और विचार करके पार्टी को आगे कैसे चलाया जाए। पार्टी राजपा को जो सशक्त मधेश का निर्माण में अपनी योगदान दी है, बड़ा बड़ा बहुत ही अच्छी बात हुई है कि आज फोरम तमलोपा सद्भावना और जो है अन्य नेपाल सद्भावना पार्टी, महेंद्र जी की पार्टी, शरद जी की पार्टी, राजकोट जी पार्टी, ये सभी पार्टियों ने अपने चिराग को बुझा है, अपने झंडे को बुझा करके राजपा का एक छाता चिन्ह लिया है। ये बहुत बड़ा त्याग किया था, और उस त्याग का परिणाम है कि हम कुछ आगे आए हैं। ऐसा बात नहीं कि हम नहीं, बहुत कुछ पाए हैं हम। ये जो है दो नंबर प्रदेश में राजपा के पक्ष में एक लहर था, तो ऐसी अवस्था में उसको हम ग्रहण करते हुए अपने अंदर एक प्रगति के लिए, अपने 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 लिए एक उत्साह जनक को उत्साह का एक वातावरण क्रिएट करते हुए, ताकत लेते हुए, और हम आगे की राजनीति पांच नंबर प्रदेश की अन्य प्रदेशों में आगे बढ़ें। और मुझे लगता है कि ये विषय अब काम करने का है, और मुझे दो नंबर प्रदेश में जो मिला है उससे काम करने का, मधेश के निर्माण करने का, मधेश को पावरफुल बनाने का, एम्पावर्ड करने का, प्रस्थानविंद का एक लैंड मिला है, जहाँ से हम पूरे देश में मधेशियों की, जनजातियों की, दलितों की, आदिवासियों की, थारुओं की, सबके हक हित की बात का वहाँ से हम करना शुरू करेंगे। मैं ये कहूँगा आपके मार्फत कि खास करके हमारे राजपा और फोरम के नेताओं में आपस में एकाकार होकर के काम करने की ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करें, उनमें ये जो है ये आपसी महत्वाकांक्षा से मधेश के मुक्ति की, समानुपातिक समावेशी के सिद्धांतों को आत्मसात करने का एक विचार दे, और जिससे पद से अधिक मार जो है जो अधिकार का है विषय, उस पर हम एकत्रित होकर काम करें, और इससे लगता है कि हम आगे प्रगति की दिशा में आगे जाएंगे। जैसे स्थानीय तह के चुनाव में केंद्र से कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाए पश्चिम की ओर, तो कुछ नेता भड़क गए, कोई एमएलए में चले गए, कोई कहीं चले गए, वो लोग अपने अपने जगह जाके जीत भी चुके। इस बार भी वही रवैया देखा गया आपके पार्टी में, तो अगली कदम क्या होगा? देखिए एक बात मैं आपको कहूँ, जो स्थानीय नेता हमारे भड़के, एक बात तो ठीक है कि हम स्थानीय चुनाव में पार्टी ने दो नंबर में आके चुनाव लड़ा, स्थानीय निर्वाचन को पाँच नंबर में नहीं लड़ा, ये बात तो है, ये कहीं ना कहीं उकस-मुकस था, और यदि नहीं लड़ना चाहिए तो कहीं नहीं लड़ना चाहिए, वास्तव में लड़ना चाहिए तो पांच नंबर पर लड़ना चाहिए था, हमारे कार्यकर्ता बाहर हो गए, एक बात। दूसरी बात, जो नेतागण उसमें से बाहर गए, वो नेतागण चुनाव जीते भी जिनका नाम ले रहे हैं, मैं उनके बारे में बहुत आपको तफसील से बताऊँ। 48 साल में जिस नेता ने आकर के सद्भावना में प्रवेश किया था, वो पराशी के नेता
त्रिनारायण चौधरी के क्षेत्र से उनको टिकट दिया गया था और त्रिनारायण ने अपना दूसरा क्षेत्र लिया था। सद्भावना ने उनको अपने अंदर बारो करके और उनको नेता बनाया था। और आज वो बेचारे त्रिनारायण चौधरी पटल से हट गए, लेकिन गजेंद्र बाबू के ज़माने में भी वहाँ संघीय समाजवादी पार्टी बनी, एक पार्टी बनी वहाँ जो है गजेंद्र बाबू के ज़माने में। फिर उसका विलय भी हुआ, इधर आकर के सद्भावना के साथ जब सद्भावना में आनंद देवी का मृत्यु हुआ तो उनके बाद जो है फिर आनंद देवी को स्थापित करने के लिए या उनको विस्थापित करने के लिए कार्य हुआ और ताम्रपाव का निर्माण उसमें किया गया। तो ऐसी अवस्था में हमेशा मधेश की राजनीति करना और मधेश के में अपने अपने स्वार्थों के नाते मधेश पर ही प्रहार के होता रहा। इधर दूसरा नेता जो हमारे जिले के हैं, उनके पिता डेमोक्रेसी आने के बाद 46 साल से कभी चुनाव नहीं जीते थे, भगवान दास गुप्ता जी। भगवान दास जी के मरने के बाद सहानुभूतिपूर्वक को जीते और हमेशा जो है जब मधेश की मिट्टी बनी 63 में तो उस पर आए, और जब अब की बार हिमाल पहाड़ी और मधेसी क्षेत्र मिल गया, इनमें वोटर मिल गए तो उस वोटर में चले गए। तो जनता देखिए, जनता जीत गई, ये आप परिणाम आया कि जी हार दल बदलुओं को भी जिताया जनता। अरे जनता दलित जनता, उपेक्षित जनता, इसीलिए तो हम कहते हैं दलित है वो, इसीलिए कहते हैं शोषित है वो। यदि उसमें इतनी जानकारी इतनी जागरूकता होती तो साहब वो अपने अधिकारों को ले लेता। यही दलित का पूर्णतः द्योतक है कि ये लोग अभी अचेतन है। नहीं तो अभी जो प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के चुनाव के दरमियान जो आप नेतृत्व के ऊपर जो कंप्लेन किए कि ये कारण से हम लोग कमज़ोर हो गए पश्चिम में, तो वही कंप्लेन तो उन लोगों का भी था कि ये लोग नेतृत्व पक्ष नेतृत्व पंक्ति पश्चिम के लिए कुछ नहीं किए, 5 नंबर प्रदेश के लिए कुछ नहीं किए, इसीलिए हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे, नहीं रहेंगे कह के वो लोग चले गए। आप ही जैसा वो लोग का भी कंप्लेन? नहीं देखिए, हमारे मन में कंप्लेन फ़र्क है, हमारे उन्हें हमने कहा ना कि दो दो बार मुझे सांसद नहीं बनाया गया, इसके बाद भी मैं पार्टी में लगा हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। वो लोग जो है उनके जो व्यक्तिगत व्यक्तिगत आकांक्षाओं पर जब हैमर हुआ तब उन्होंने समूह के अधिकारों को के मांग को ठुकरा दिया। जो ग्रीवांशज थे मधेश के उसको उन्होंने ठुकरा दिया, क्योंकि उनको व्यक्तिगत अहंकार था, किसी को अध्यक्ष बनना चाहिए था अध्यक्ष मंडल में, किसी को उसमें जो है कोई प्यार नहीं मिला, क्या नहीं मिला। लेकिन हम कह रहे हैं कि कल उस अध्यक्ष मंडल को रिप्लेस करके मैं भी तो अध्यक्ष बन सकता हूँ, उस अध्यक्ष मंडल में मेरा भी नाम तो आ सकता है। इसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ा जा रहा है इस कैबिन में? न तो आनंद जी इकट्ठे हटने बाद लड़ाई लड़ी गई, ताम्रपा निर्माण किया गया, न आज वो लड़ाई लड़ी गई। इसलिए ये हमारा जो 6-5 नंबर प्रदेश है, उस प्रदेश के लोगों को गलत ढंग से आज मधेशवाद की जो लड़ाई है उस लड़ाई को गलत डिरेल करके, दूसरे रास्ते पर करके, आरोप लगा करके मधेशवाद की लड़ाई को कमज़ोर करने का काम किया। तो सर अब अंतिम में हम एक आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोग मधेश प्रदेश के लिए आंदोलन किए थे, शुरू से आंदोलन करते आ रहे हैं, इतने लोग बलिदान दिए, 100 से ज़्यादा हो गए बलिदान देते हुए एक मधेश एक प्रदेश के लिए, लेकिन अभी 8 जिला में समिट गया है। तो अब के बाद एक मधेश एक प्रदेश के लिए आप लोग का योजना क्या है, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक एक मधेश एक प्रदेश का विषय है, मैं 47 साल से ही जब गजेंद्र बाबू थे तो भी नारायणी से पूर्व नारायणी से पश्चिम मध्य प्रदेश की कल्पना की गई थी, हम लोग लिखे थे दस्तावेज में। हाँ, आज ही हम इस पक्ष में हैं कि एक मधेश एक प्रदेश से हमारा कल्याण नहीं होगा बल्कि नारायणी से पूर्व पश्चिम मधेश का निर्माण होगा। मैं इस पक्ष था ऐसा किया जाए। और जहाँ तक ख्याल है हमारे लड़ाई का विषय है, हमारी लड़ाई का विषय इतना जटिल कर दिया गया 5 प्रदेश के और कैलाली कंचनपुर की लड़ाई को या पूरब की लड़ाई को कि इसको अब हमको दिखाई पड़ रहा है कि 2 नंबर प्रदेश जो बना है वो 2 नंबर प्रदेश ही इसको जो यदि वो सत्य रूप से पूरे मधेश की लड़ाई लड़ना चाहता है तो वहाँ से ही 2-5 नंबर में और अन्य प्रदेशों में उसका अब संदेश जाएगा, वरना ये लड़ाई इतनी जटिल हो गई है कि फिर विद्रोह के अलावा कोई जगह नहीं है। तो हम जहाँ तक मेरा अपना है कि ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है कि जो सड़क से होने वाली लड़ाई है, पार्लियामेंट की लड़ाई है ही नहीं। हमने 63 में पार्लियामेंट की लड़ाई नहीं लड़ी थी, हम सड़क की लड़ाई लड़े थे। आज भी दलितों की उपेक्षितों की लड़ाई कहीं भी संसार में पार्लियामेंट से नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है कि 2 नंबर में जो शक्ति प्राप्त किए हैं वो शक्ति से अब
पांच नंबर वाले को या पश्चिम वाले को अधिकार दिला सकते हैं कि नहीं? मुझे तभी ये लग रहा है कि दो नंबर जो शक्ति आई है, ये शक्ति क्या शक्ति के रूप में रहेगी कि ये विखंडित होगी? मुझे अभी यही लग रहा है कि दो नंबर में जो हमारी दो शक्तियां आई हैं, अभी हमने राजा पा और फोरम की बात कही, ये दोनों मधेशवाद के लिए ईमानदारी से एक साथ लड़ सकती हैं कि यही बिखर जाएगी, जनता के आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरेंगी? यदि ये खरा उतरती हैं तो लड़ाई जल्दी समाप्त होगी, यदि ये खरा नहीं उतरती हैं तो लड़ाई और दूर जुड़ जाएगी, लेकिन हो जीत होगी, समय लंबा लगेगा। तो मुझे इसी पर आपके माध्यम से यही कहना है, इन दोनों को सद्बुद्धि दे, पहले ये दोनों किसी को मुख्यमंत्री बना के कुछ बना के मधेश की लड़ाई लड़ाएं। और मुझे लगता है कि ये लड़ाई इतना वाइटल लड़ाई है कि बिना अधिकार प्राप्ति के कुछ हो नहीं सकता है, होगा ही, जाहिर होगा। अभी मधेश का लोग जो पांच नंबर में आपने देखा, पूरी पीड़ा नहीं हुई, हमने देखा है सर की जो है, जो बॉर्डर के नज़दीक के लोग हैं उनको यमाले का पीड़ा नहीं सता रहा है, जो जहाँ पहाड़ मधेश का ज्वाइंट है लोगों का, वहाँ यमाले का पीड़ा सता रहा है। तो ऐसी अवस्था है और हमारे नेतागण बिक गए उस पर, हमारे चाहे वो जो यमाले से समझौता करके जो गए, उन्होंने बहुत नुकसान किया है, इतिहास उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। जो लोग मधेसी दल छोड़ के, जो मधेसी दल छोड़ करके और मां बाम गठबंधन से गठबंधन करके हमारे कोर जो है लड़ाई को समाप्त करने का कार्य किया है और चुन भी गए हैं दल बदल करके, मधेस इतिहास में मधेश को माफ नहीं करेगा, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। हाँ, आप पुराने नेता है, मधेसी राजनीति को आप बहुत नजीक से देखे हैं, आप उसमें घुल मिल चुके हैं, बहुत सा मुद्दा उठाए हैं, आप राष्ट्रीय राजनीति में भी आप जानते हैं, पहचानते हैं। ये जो वाम गठबंधन बने हैं एमाले और माओवादी का, इससे नेपाल के राजनीति को किस ओर ले जाएंगे? देखिए, मुझे तो लगता है ये वाम गठबंधन जो बना है, ये प्रचंड जी के का जो अंतिम अवस्था था, उन्होंने अपने लिए वहाँ कर दिया है कि सांस किसी तरह मिली है उनको, जीवन लाइफ मिल गई है, उनको जीवन मिल गया है। हाँ, ये एक बात ही विषय है। दूसरा विषय है, वाम गठबंधन यदि एग्रेसिव होकर के जो वली जी की परिकल्पना है उस ढंग से चला तो इस देश में विद्रोह जल्दी होगा और अधिकार जल्दी मिल जाएंगे, कि जितना ही सेपरेशन होगा उतना ही उसके क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होगी। और इसलिए वाम गठबंधन की जो कल्पना है परवली जी की, अंधराष्ट्रवाद, वो अंधराष्ट्रवाद मधेश को जल्दी अधिकार दिला देगा। तो वहाँ वाम गठबंधन से हमको बहुत ही भयभीत नहीं होना चाहिए, बहुत ही हमको इससे कोई घबराने की बात नहीं है। और हम समझते हैं कि इसी अहंकार का, जैसे राजा ज्ञानेंद्र ने सारा पावर ले लिया अपने में, तुरंत उनकी सत्ता चली गई, उसी तरह से जैसे वाम गठबंधन पूरी ताकत से अपने उसमें आना चाहेगा, कमोबेश सभी प्रदेशों का, दो नंबर प्रदेश का, सभी प्रदेशों में उनका सरकार बनने जा रहा है, केंद्र में तो उनकी सरकार है, बहुमत में आई गई है, ऐसी अवस्था में मुझे लगता है कि अधिकारों की प्राप्ति जल्दी होगी और हम उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत में आपको अंत में एक प्रश्न आपसे जानना चाहते हैं, जैसे अभी दो शक्ति दिखाई दे रहे हैं यहाँ नेपाल के पॉलिटिक्स में, एक लोकतांत्रिक गठबंधन और एक वाम गठबंधन, और दक्षिण में या मधेश में एक मधेसी गठबंधन है। तो मुख्य रूप से दो गठबंधन की यहाँ पर अगर बात किया जाए तो आप लोग का मधेसी गठबंधन किस गठबंधन के नज़दीक हैं, किसके साथ काम करना पसंद करते हैं, जाना चाहते हैं? देखिए, वाम गठबंधन तो खुल्लम खुल्ला हमारे विचारों पर प्रहार करके ही उसका निर्माण हुआ है। वाम गठबंधन का निर्माण कोई और गठबंधन नहीं है, उसका मधेश के इशू पर और दलितों जनजातियों को अधिकार विहीन करके उनका निर्माण है, अंतर्राष्ट्रवाद है। इसलिए उनसे हमारे नज़दीक का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जहाँ तक खाली नेपाली कांग्रेस के, जिसको आप लोकतांत्रिक गठबंधन के रूप में व्याख्या करना चाहते हैं, उसका विषय है, वो भी है, इस चुनाव में भी न तो उस अंतर्राष्ट्रवाद के विरोध में बोल पाया कांग्रेस ओली के, और न ही हमारे मुद्दों को समर्थन करने की बात वो खुल के मधेश में कह पाया, इसी दोनों के बीच में रह करके उसका पराजय हुआ है। तो यह विषय, यह शक्ति जो है, यह बिल्कुल आधा अधूरा शक्ति है, जिसका जो कन्फ्यूज्ड है कि हमको क्या करना है। हम मधेश के लोग, अधिकारवादी लोग को की लड़ाई अपनी लड़ाई है, और इस लड़ाई को हम अपने हिसाब से
आगे बढ़ा रहे हैं और बिल्कुल इसमें हमको कतई किंचित संकोच नहीं करना चाहिए कि हमारी संख्या, हमारी राजनीतिक चेतना हमको अधिकार दिलाने में कभी कामयाब नहीं होगी, ऐसा बात नहीं है। 47 से पहले की स्थिति, 47 से आज की जो स्थिति है उसको आप देखते जाइए, हम अधिकार प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बिल्कुल एक जागरूकता आई है और हम मधेश के लोग अकेले एक शक्ति के रूप में दलितों, जनजातियों को पहाड़ में सबको समेट करके, थारुओं को सोट करके, खास करके मधेश की राजनीति को, थारू जो वहाँ का सबसे पिछड़ा हुआ है मधेश का है, उसको साथ जोड़ करके कैसे एक इंटैक्ट एक फोर्स में हम कर पाएं। जब तक थारू हमारे साथ इंटैक्ट होकर एक फोर्स के रूप में काम नहीं करेगा तब तक मधेश की मुक्ति का विषय जो है हम इसको कोरा कल्पना समझेंगे, इसलिए इस पर हमको काम करना। आप अभी बताएं कि लोकतांत्रिक गठबंधन के साथ हम लोग का जाना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, अब वाम गठबंधन की सरकार बनने जा रहे हैं, तो आपको क्या कहना है कि उनके वाम गठबंधन के साथ सरकार में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, हमारा विषय है, देखिए सरकार निर्माण और हमने कहा कि लोकतांत्रिक शक्ति जो अभी है साथ में रहना चाहिए, हमको लोकतांत्रिक शक्ति के साथ में रहना चाहिए। क्या नेपाली कांग्रेस हमारे साथ सड़क आंदोलन में लगेगी? क्या नेपाली कांग्रेस हमारे विषयों को, जो हमारे मधेश के थारू जनजातियों के विषयों को है, उसको स्थापित करने हमारे साथ कांध में कांध मिलाएगी? ऐसा नहीं करेगी, इसकी कल्पना हम न करें, और ऐसा आज होता है तो हमारी शक्ति कमज़ोर भी हो जाएगी, इसलिए मुझे इसको आगे लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए दोहरा मान है, एक सड़क का हमारा एक अपना स्ट्रेटजी होगा, हमारे पार्लियामेंट के अलग स्ट्रेटजी होंगे, उस स्ट्रेटजी पर हमारे अलग अलग होंगे। अभी क्या है, अभी तो हमारे देश में क्या है, हम पार्लियामेंट में कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसको सड़क की स्ट्रेटजी मान लिया जाता है, सड़क पर कुछ कहते हैं तो कहते हैं पार्लियामेंट में आपने ऐसा क्यों कर लिया। मुझे लगता है कि जनता को इस पर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नेताओं को भी क्लियर होना चाहिए कि हमको सड़क की स्ट्रेटजी अपनी स्ट्रेटजी होगी, पार्लियामेंट की जी सरकार को चलाने के लिए और शक्तिशाली लोगों को कमज़ोर करने के लिए उसमें राज्य में छिद्र करके कैसे अपने लोगों को सुविधा देता जाए, अपने अधिकारों को उसमें प्रवेश करा जाए, इसके बारे में हमको बात करना होगा, काम करता रहना होगा। आपको कहना है कि सरकार में नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल हम कह रहा है कि सरकार को कमज़ोर कैसे करके उसमें अपने सरकार में, तो बिल्कुल अभी सरकार में जाने के विषय हमारे यहाँ नहीं है, हम लोगों को तो अधिकारों की लड़ाई लड़नी है। हम 5 साल सरकार में नहीं गए विगत के उसमें, तो उससे क्या हुआ कि जनता अब की बार जो विगत के उसमें 70 में जो हम पर आरोप लगाई थी, भी आरोप नहीं लगाई है। हालांकि सरकार में जाकर के ही सरकार के द्वारा जनता की आकांक्षाओं पूरा करने का एक विषय है, लेकिन वो विषय गौण है। पहला विषय है कि आपका संविधान में आपके अधिकारों की सुनिश्चितता कैसे हो, ये विषय है। तो इस विषय की प्राप्ति के लिए हमको करना चाहिए, हम सरकार में जाने की कल्पना अभी न करें और अपने संघर्ष को सड़क के माध्यम से जारी करें। सरकार में कैसे कमजोर सरकार की शक्ति को किया जाए, इस पर तो हमको रणनीति बनाएगी उसमें पर सर्वर में सरकार में यदि हम समर्थन करते हैं तो हम समर्थन बाहर से करें या सरकार को टिकाएं, हम सकते सरकार में न शामिल हों, ये कई रणनीतियाँ बन सकती हैं। तो उस पर जो समय आएगा, समय सापेक्ष में राजनीति जो करवट बदलेगी उसमें पार्टी की भूमिका होगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार।